पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मुगलपुरा थाना क्षेत्र के गुजराती मोहल्ले में उस वक्त हड़कंप मच गया जब मोहल्ले में रहने वाली दो महिलाओं के शव कमरे में पड़े मिले। मृतक महिलाएं राजरानी और कुसुम आपस में बहनें थीं और दोनों पिछले काफी समय से एक साथ रह रही थीं। राजरानी के पति की मौत हो चुकी है और वो अपनी छोटी बहन कुसुम के साथ रह रही थी। परिजनों के मुताबिक मृतक कुसुम ने शादी नहीं की थी। दोनों बहनें परिवार के साथ रहने के बजाय किराए के मकान में रहती थीं। दो महिलाओं की हत्या की सूचना पर पुलिस और परिजन मौके पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस ने फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुला लिया और महिलाओं के शव पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। एसएसपी मुरादाबाद के मुताबिक शुरुआती जांच में महिलाओं के शरीर पर कोई चोट के निशान मौजूद नहीं है। दोनों महिलाओं की मौत की वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही स्पष्ट हो पाएगी। एसएसपी के मुताबिक जिस मकान में महिलाएं किराए पर रह रही थीं, पुलिस किराए के मकान को लेकर विवाद के चलते महिलाओं की हत्या की आशंका जता रही है। एसएसपी का कहना है कि परिजनों से पूछताछ के बाद जो तथ्य सामने आएंगे उनको भी जांच में शामिल किया जाएगा। शहर के घने एरिया में एक साथ दो महिलाओं की हत्या से हड़कंप मचा हुआ है। घटना की जानकारी मिलने के बाद बुजुर्ग मृतक राजरानी की शादीशुदा तीन बेटियां और लड़के मौके पर पहुंच गए। परिजन दोनों बहनों की हत्या का आरोप लगा रहे हैं। पुलिस परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर आरोप गिरफ्तार करने का दावा कर रही है। पता नहीं, हम लोग तो यहाँ पे रहते नहीं है, मेरी सगी बुआएं थी दोनों, लेकिन हम तो इलाहाबाद में रहते हैं। मिलने आए थे यहाँ पे, दोनों से खूब अच्छी मुलाकात भी हुई, खाना मतलब नाश्ता वाश्ता भी किया, रात में मुझे छोड़ने तक भी आई यहाँ तक। और उन्होंने बोला था कि परसों हम लोग आएंगे मिलने के लिए, लेकिन उसके बाद रात में तो बात हुई नहीं। सुबह बस भाभी का फोन आया कि क्या कहते हैं ऐसी सी बात हो गई है, तो बस यहीं पे भागते दौड़ते आए हम। जैसा यहाँ पे चल रहा है बस वही देख रहे हैं कि लूटपाट का ही मामला है पूरा का, क्योंकि बुआ ने जितने भी जेवर वगैरह पहने थे ये सब तो बोले कुछ भी नहीं है उनके पास। रात कितने बजे छोड़ने आए थे आप लोगों ने? मुझे तो 7:30-7:30 बजे हम लोग चले गए थे यहाँ से। हम लोग यहाँ रहते नहीं ना, इलाहाबाद में रहते हैं। उनके साथ फैमिली में कौन कौन? सिर्फ दोनों बुआ ही रहती थी बस यहाँ पे। दो बुआ रहती थी और नीचे पप्पू और भैया भाभी लोग रहते थे। आपको क्या सूचना मिली सुबह? सुबह बस यही मिला कि दोनों बुआएं नहीं रही, बस यहीं भाग गए फिर हम लोग। आपने आके देखा तो क्या स्थिति थी यहाँ पर? हम बस बड़ी वाली बुआ को ही देख पाए हैं, वो जमीन में पड़ी हुई थी। बाकी छोटी वाली बुआ को तो अभी तक देखा ही नहीं है, देख ही नहीं पाए हैं, देखने नहीं दे रही पुलिस। इधर जाके देख तो ले वो है कैसी। दोनों की डेथ हो चुकी है? हाँ। किस तरीके से मारा गया कुछ देखा? ये हमें नहीं पता, कुछ पता नहीं मालूम, लेकिन सब लोग जिस हिसाब से बोल रहे हैं गला घोट के करा गया तो वही लग रहा है, क्योंकि ब्लड वगैरह तो कुछ दिख नहीं रहा। इन दोनों महिलाओं के साथ कितने मेंबर और रहते थे? बस अभी सिर्फ दो ही रहती थी, पहले ताई लोग रहती थी, बट वो दो का मकान ढह गया है तो वो लोग उधर शिफ्ट हो गए अलग। इधर 3-4 महीने से दोनों अकेले ही रह रही थी। कितनी है? 70-75 के लमसम होंगी दोनों। क्या क्या नाम है इनके? बड़ी वाली बुआ जो है वो राजरानी अग्रवाल है, छोटी वाली जो है वो कुसुम अग्रवाल है। अच्छा, देखिए आज मॉर्निंग हमको करीब 9 बजे के आसपास कंट्रोल रूम से सूचना प्राप्त हुई थी कि यहाँ मुगलपुरा थाना क्षेत्र के इसी बिल्डिंग में दो बुजुर्ग महिलाओं का शव है। इस सूचना पर पुलिस यहाँ पहुँच गई, जांच किया है, अंदर दोनों डेड बॉडीज है और देखने से कोई बहुत किसी भी बॉडी पे विजिबल मार्क्स ऑफ इंजरी नहीं दिख रहे हैं, लेकिन दोनों मृत पड़े हुए हैं। इस चीज़ पे हम लोग जांच कर रहे हैं, हमारे फोरेंसिक टीम भी यहाँ पहुँच गया है और इसका पोस्टमार्टम में और कारण पता चल जाएगा कि मृत्यु कैसे हुआ है। बाकी चीज़ें हम लोग अभी जांच कर रहे हैं। सर, परिवार का प्रोफाइल बता देंगे थोड़ा, क्या है प्रोफाइल, क्या करते हैं इनके बच्चे वगैरह? देखिए, इनके बच्चे अभी आए नहीं हैं, अभी हम लोग वेट कर रहे हैं कि किसी यहीं पे एक किसी शराब ठेके पे नौकरी करते हैं वो, उनके आने के बाद और भी चीज़ें पता चल जाएंगे। सर, लूट भी हुई है क्या? नहीं, ऐसे कोई अभी अंदर जो सीन ऑफ क्राइम को जांच करने से ऐसी कोई बात नहीं नजर आ रही। अच्छा सर, किस हालत में दोनों महिलाएं पड़ी हुई थी? अलग अलग कमरों में थी, एक साथ पड़े हैं? अलग अलग कमरों में, बेड के बगल में ही बॉडी से। सर, ये जो मृति कहाँ है, आपस में रिश्तेदार थी, मैंने थी क्या कुछ? देखिए, आपस में सिस्टर्स हैं, एक मैरिड है और एक अनमैरिड है। और बहुत सारे एंगल्स पे हम लोग देख रहे हैं कि प्रॉपर्टी, ये लोग रेंट पे रह रहे हैं और ये प्रॉपर्टी पूरा किसी ने खरीद लिया है, और उस एंगल पे भी हम लोग जांच कर रहे हैं। काफ़ी दिन से इनको ये रेंट पे है तो हो सकता है कि दूसरे भी एंगल हो, बहुत सारे एंगल्स हैं। जैसे परिवार वालों से हम बात करेंगे तो कारण हमें आपका ये कहना कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही तय हो पाएगा कि हाँ बिल्कुल, अगर वो देखने से कोई ऐसी चीज़ हम लोग नहीं बता पाएंगे कि क्या।